Hi guys, welcome back. So I'm back with another video and guess what this video is? Obviously Amazon decor haul for Diwali guys. और ये मुझे लगता है हर साल का रिचुअल बन चुका है कि मैं दिवाली के पास एक ऐसा हॉल डालती हूँ और आप लोग बहुत पसंद करते हो, तो मुझे लगा कि मुझे इस बार भी डालने चाहिए। और अगर आप पहले के हॉल्स देखना चाहते हो तो उनके भी जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगी, वो भी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आपको अभी भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और इस बार मैं थोड़े नए प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, मैं नहीं चाहती थी किसी भी प्रोडक्ट की रिपीटेशन हो, तो इस बार मैंने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल इस वीडियो में नए लिए हैं। बीट कुशन कवर्स, दियाज, वट एवर, रंगोली, एवरीथिंग इज न्यू। आप लोगों को अगर पुरानी वाली वीडियोस देखनी है वो भी बहुत अच्छे हॉल से लोगों को बहुत पसंद आए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज वाली वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन प्रोडक्ट्स को जाके परचेज कर सकते हैं। जल्दी जल्दी खरीदना बिकॉज ये बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं दिवाली के पास। और गाइज मैंने भी रिसेंटली एक दिवाली डेकोर का वीडियो डाला है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है वो भी देख लेना। मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लो बहुत सारे न्यू आइडियाज के लिए, बहुत अच्छी अच्छी रील्स के लिए और पोस्ट्स के लिए। चलिए देरी ना करते हुए हॉल की शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट वन आर दीज वॉल माउंटेड कैंडल लाइट होल्डर्स। ये बहुत प्रटी हैं, गोल्डन शेड में है, परफेक्ट फॉर द फेस्टिव ओकेजन। इसमें अगर आप दिया वगैरह जलाते हो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ऐसे ग्लासेस हैं, रेक्टेंगुलर शेप में है, मुझे बहुत पसंद आए ये। देन द नेक्स्ट वन आर दीज वॉल माउंटेड कैंडल लाइट होल्डर। ये सर्कुलर शेप में है, अगेन गोल्डन शेड में है, परफेक्ट फॉर द फेस्टिवल्स। इनमें से चेन से हैंग करने के लिए। देन दीज पॉम पॉम गार्लेंड्स, तो ये बहुत प्रिटी हैं। पिछली बार फूलों वाली गार्लेंड्स बहुत चली थी, इस बार इनका ट्रेंड आया है पॉम पॉम्स वाली। तो इनमें अलग अलग शेड्स हैं, बीच में से बीड वर्क है, नीचे बेल्स टंगी हुई हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं फेस्टिवल्स में। देन दीज कुशन कवर्स, तो ये सिल्क में है और ये अलग अलग शेड्स में है, इनमें पोल का डॉट्स हैं, वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड शाइनी, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ये दो दो के सेट्स में है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको शेड्स चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ये मैंने तो आप देख सकते हो बहुत सारे के भी ये वाले कुशन कवर्स लिए हैं। इनका जो लिंक है उसके थ्रू आप इनके अलग अलग शेड्स देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हो। देन दीज प्रिंटेड कुशन कवर्स, इनमें बहुत प्यारा ऐसे जरी टाइप वर्क है, जो प्रिंट है बहुत प्यारा है, एक्चुअली प्रिंट नहीं है, ऐसे जरी से पूरे में काम है और बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलर्स बहुत प्रिटी हैं। ये आई थिंक 5 कुशन कवर्स का सेट था, परफेक्ट फॉर योर फेस्टिवल ओकेजन, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। देन कम टू द कैंडल लाइट होल्डर्स, तो ये वाला जो कैंडल लाइट होल्डर है ये दो का सेट है, इसमें से कमल के फूल टाइप बने हुए हैं साइज में, बहुत प्रिटी है। ये अलग अलग कलर्स में आपको मिल जाएगा, ब्लू शेड्स, पिंक शेड्स, काफ़ी शेड्स हैं इसमें। देन द नेक्स्ट सेट ऑफ दीज कैंडल लाइट होल्डर्स, तो आप देख सकते हैं इनमें से गोटा पत्ती वाला वर्क है और ये भी बहुत प्रिटी है, ये भी आपको अलग अलग शेड्स में मिल जाएंगे। इस टाइप का जो आप सेट है कहीं पर भी डेकोरेट करोगे बहुत प्यारा लगेगा वो एरिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पटोला वाले जो मैट्स हैं उनके ऊपर इनको रखा हुआ है और ये बहुत प्रिटी लग रहे हैं। देन दीज कैंडल लाइट होल्डर्स, ये 4 का सेट है, इसमें भी अलग अलग शेड्स हैं। इनमें से जो शंख लगे हुए हैं ना उनकी वजह से ये बहुत प्रिटी लग रहे हैं, डिफरेंट एकदम शो आ रही है इनकी, तो ये थोड़े डिफरेंट है इस साल, नए आए हैं, ये मुझे काफ़ी पसंद आए। देन दिस सेट ऑफ फ्लोरल कैंडल लाइट होल्डर्स, तो बीच में ऐसे रेड रोजेज वाला पूरा एक सर्कुलर सा डेकोर पीस है एंड उसके साथ ही बहुत सारे कैंडल लाइट होल्डर्स हैं जिनको आप ऐसे सर्कल में अगर रखो तो बहुत प्रिटी लगेगा। देन दीज मिट्टी का दियाज, ये वाले जो दियाज हैं ये पेंटेड दियाज हैं, तो अगर हम लोगों को दिवाली में दियाज तो लगाने ही होते हैं तो पेंटेड लगाएं तो बहुत प्रिटी लगेंगे। इनमें से 4 शेड्स के हैं, आई थिंक 28 दियाज का सेट है, ये मुझे बहुत पसंद आया। देन दीज रिफ्लेक्टिंग दियाज, तो इसमें क्या है बीच में आप ऑयल डालोगे और तेल डाल के ऐसे इनको जब लाइटन अप करोगे तो इनकी जो शेडो है वो सारे में पड़ेगी, आपको थोड़ी बहुत शेडो अभी दिख भी रही होगी, मैंने थोड़ा लाइट ऊपर से मारी है तो उसे शेडो पता चल रही है। ये इनके साथ आए हैं, जस्ट आपको ये इसके जो सेंटर में है यहाँ पर फिट करना है और आपको ऑयल लगा के ऐसे नॉर्मल दियो की तरह जलाना है, तो बहुत प्यारी रिफ्लेक्शन देंगे। देन दिस सेट ऑफ कैंडल लाइट होल्डर्स, तो सेंटर में आप देख सकते हो एक राजस्थानी मेल और फीमेल वाला एक प्यारा सा कैंडल लाइट होल्डर है और सारे ही तरफ एक कमल के जो फूल वाले कैंडल लाइट होल्डर्स हैं ये हैं। इस साल जो लोटस वाले जो कैंडल लाइट होल्डर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इनके बहुत टाइप के डेकोर पीसेज आ रहे हैं, आप मैच करके भी डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने उनके मैचिंग में ये वॉल वाली जो हैंगिंग्स हैं ये मंगाई, ये लोटस वाली ऐसे लीव्स की प्रॉपर वॉल हैंगिंग्स है, इनका भी कई ऐसे हैंगिंग्स का सेट है, तो आप किसी वॉल पे भी इस पूरे सेट को लगाओगे तो बहुत भरा भरा बहुत अच्छा लुक देगा। देन दीज LED लाइट्स, आई थिंक LED लाइट्स आर मस्ट फॉर दिवाली बिकॉज किसी भी एरिया में आप लगाते हो लाइटन अप कर देती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप आसपास बिजली वाला कनेक्शन चाहिए।
देन गाइज दिस रंगोली, दिस इज़ आइलैंड रंगोली इन चक्रा डिज़ाइन। तो इसका क्या है, ये वाला जो एक शीट है पूरी की पूरी और उसमें से स्पेसेस हैं, उसके साथ एक ब्रश आ रहा है, एक प्लास्टिक का स्पून काइंड ऑफ है, आपको कलर्स फिल करने हैं ब्रश से, उसको आसपास का जो भी एरिया है क्लीन करना है एंड आपकी रंगोली तैयार। और आप इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब दिवाली के आसपास अगर आपको पोजीशन भी चेंज करनी है आप इजिली कर सकते हो। तो 10-15 दिन भी आपकी ये रंगोली बनी रहे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दो। और जैसे ही फेस्टिव ओकेजन खत्म हो तो सारे रंग वगैरह हटा के एक कपड़े से वाइप ऑफ करके रख दो अगली दिवाली के लिए। तो इस दिवाली मैंने सोचा मैं नॉर्मल उर्लीज जो यूज़ करती हूँ उनकी जगह इस टाइप का कुछ खरीदती हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें कितना सारा स्पेस है, आप हर जगह वाटर वगैरह डाल के ऐसे रोज़ की पेटल्स डाल के फ्लोटिंग कैंडल्स डाल सकते हो। ये फ्लोटिंग कैंडल्स का भी लिंक दे दूँगी, ये भी काफ़ी अच्छी लगी। तो नॉर्मल उनसे बहुत प्रटी लगता है और बहुत भरा भरा लुक दे रहा है। देन दिस मैक्रेमे वॉल शेल्फ, तो इसमें से वुडन शेल्फ है, पीछे पूरा मैक्रेमे का काम है, बहुत प्रटी लगता है, दिवाली के अलावा भी आप लगाओ के बहुत अच्छा लगेगा। देन दीज LED लाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ऐसी जगह जहाँ पे कपड़ा वगैरह है आसपास तो वहाँ कैंडल्स ना जलाइए, इस टाइप की LED लाइट्स लगा सकते हो आप। देन टेबल क्लॉथ, आई थिंक टेबल क्लॉथ्स बहुत अच्छे लगते हैं किसी भी डाइनिंग एरिया को, अगर आपको एक नया लुक देना है तो वहाँ के लिए आप टेबल क्लॉथ ले सकते हो। तो मैंने ये वाला टेबल क्लॉथ लिया, मुझे बहुत प्रिटी लगा, ये कॉटन में है और इस पर का जो प्रिंट है बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा मुझे ये भी शेयर करना चाहिए आप लोगों से। इसी के साथ मैंने चेयर कुशन्स भी लिए, जो चेयर कुशन्स हैं बस मेरी चेयर पे कुशन्स नहीं है, जस्ट मैंने टाई करे और बहुत ही कम्फर्टेबल हो गई चेयर्स। नेक्स्ट इज़ दिस तोरान, तो ये वैसे गेट्स वगैरह के लिए होता है बट मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक हैंग करके दिखा रही हूँ कि आप किसी एरिया को ऐसे भी डेकोरेट करना चाहो ना, लाइक टेंपल को डेकोरेट करना चाहो तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। पूरा ऐसे फ्लोरल है, पिंक शेड में है, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसे बीज का वर्क भी है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लगा। रीजनेबल भी है, 900 समथिंग का है, अदरवाइज तोरान वगैरह बहुत ही कॉस्टली आते हैं, तो अगर आपको अपने एंट्री के लिए लेना है आप डेफिनेटली ये ले सकते हो, बहुत प्रिटी है। देन दिस फ्लोरल कैंडललाइट होल्डर, तो ये वाला जो है एग्जैक्ट सेम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने अमेजोन से नहीं लिया है, बट इसके सिमिलर काफ़ी हैं और ये मुझे बहुत प्रिटी लगा, किसी भी एरिया को ग्रेसफुल बना देगा एकदम। देन दिस मिरर, आई थिंक दिस इज सो प्रिटी, ये जो केन मिरर है, इस टाइप के मिरर्स बहुत अच्छे लगते हैं, अगर दिवाली भी नहीं है तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, बट दिवाली के ओकेजन पर अगर आप ढूंढ रहे हो कोई स्मार्ट सा मिरर तो आप ले सकते हो, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में है। सो गाइज ये था दिवाली हॉल, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, ये सारे आइटम्स बहुत ही प्रिटी हैं और इनके सबके लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये हॉल पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए। और गाइज अगर आप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी होम डेकोर, होम मेकओवर्स इस टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।